वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 10 अक्टूबर 2022 और 10 अक्टूबर 2022 हज़ार से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट टाइम मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज इस वीडियो की पी फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पी एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है तो अभी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है अच्छा एक अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया दो अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया स्वच्छ भारत दिवस पर मैंने आपको बताया था इस बार भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है तीन अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस मनाया गया चार अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया पाँच अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया सात अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया सात अक्टूबर को यह विश्व मुस्कान दिवस भी मनाया गया आठ अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया अच्छा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में दो बार मनाया जाता है एक तो ये 8 अक्टूबर को मनाया गया है और दूसरा कब मनाया गया था मैंने आपको कल ही बताया है वीडियो को पॉज करिए और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस साल और कौन सी डेट को मनाया गया था अच्छा 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाया गया तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं ये आपको याद रखने हैं अच्छा आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले अपने लेग टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले अपने लेग टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरकार ने आपात रेड गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है तो अभी सरकार ने आपात रेड गारंटी योजना को 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है वित्त मंत्रालय ने कोविड 19 के प्रभाव से सिविल एविएशन इंडस्ट्री को बाहर निकालने के लिए एक्चुअल में कोविड नाइन्टीन से एविएशन इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था तो इस प्रभाव से एविएशन इंडस्ट्री को बाहर निकालने में मदद करने के लिए सरकार ने आपात रेड गारंटी योजना को 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कैसे यस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया तो अभी भी यस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार अब फिर से इन्हें यस बैंक के एम डी सीईओ सी ई के रूप में अपॉइंट किया गया है तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है ये हैं प्रशांत कुमार अब यस yes बैंक तो यस yes बैंक की स्थापना कब हुई 2004 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है प्रशांत कुमार और अब फिर से इनको एम डी एन सी ई के रूप में नियुक्त कर दिया गया है अच्छा अभी यू ए पी ए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार बने हैं बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ मोहित भाटिया बने संजीव किशोर ने महानिदेशक आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन घोषित किया है और संदीप कुमार गुप्ता ने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है नेक्स्ट क्वेश्चन ने है हाल ही में किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत दो महीने भवन त्यागने की घोषणा की है तो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती इनकी शराबबंदी की एक मुहिम है इस मुहिम के तहत इन्होंने दो महीने तक घर त्यागने की घोषणा की है तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है दो महीने तक ये घर वापस नहीं आएंगी और जहां जहाँ शराब की दुकानें हैं उन दुकानों और आहतों के सामने टेंट लगाकर छोटी सी चौपाल लगाने की घोषणा की है इन्होंने अब मध्य प्रदेश तो ये है मैप में मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है भोपाल और भोपाल में है भोजताल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है मंगू भाई पटेल अच्छा अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश घोषित किया गया अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की अच्छा मध्य प्रदेश का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की अच्छा मध्य प्रदेश में काना, बांधवगढ़ माधव संजय पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है अच्छा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अभी जो नामीबिया से चीते लाए गए थे वो छोड़े गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश में बिजली उत्पादन को डिकार्बनाइज करने के लिए एन ने किसके साथ समझौता किया है तो अभी देश में बिजली उत्पादन को डीकार्बनाइज करने के लिए एन ने जी गैस पावर के साथ समझौता किया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब एन यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी स्थापना कब हुई 1975 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड चेयरमैन कौन है गुरदीप सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जे ट्वेंटी संसदों के अध्यक्षों के आठवें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है तो जे ट्वेंटी संसदों के अध्यक्षों के आठवें शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी जकार्ता में हुआ तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में हुआ है और यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑकलैंड में मुद्दे एट द रेट ट्वेंटी ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर इन्होंने अभी ऑकलैंड में मुद्दे एट द रेट ट्वेंटी ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अच्छा माइंड में क्लिक किया होगा ऑकलैंड कहाँ है तो न्यूजीलैंड का एक सिटी है ऑकलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी तो अभी तमिलनाडु के गवर्नर ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब तमिलनाडु तो ये है मैप में तमिलनाडु तमिलनाडु की कैपिटल क्या है चेन्नई तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है एम के स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है आर एन रवि अच्छा अभी पैकाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी तमिलनाडु सरकार ने नंजराइन टैंक को पंछी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है तमिलनाडु को अगस्त मलाई में अपना पांचवा हाथी रिजर्व मिला है तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की और तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है अच्छा पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर वन पे है अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर वन पे है फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर वन पे है सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर वन पे है अच्छा पूरे दुनिया में चीनी के उत्पादन में अपना देश भारत नंबर वन पे है और चीनी के निर्यात में भारत दूसरे नंबर पे है अच्छा तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसे अभी टे एक्स टू अवार्ड मिला था तमिल थाई को तमिलनाडु ने अपना राज्य की गीत घोषित किया है तमिल थाई ऐसे तमिलनाडु ने अपना राज्य की गीत घोषित किया है आद्यपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है और जलीकट्टू का आयोजन भी तमिलनाडु में किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है तो आपको पता है अभी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से आठ चीते लाए गए हैं और इन चीतों की निगरानी के लिए नौ सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष दो हजार में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस ईयर 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 परसेंट रहने का अनुमान लगाया तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है अब वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई 1944 में इसका हेडक्वार्टर कहां पे है वाशिंगटन डीसी में और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है डेबिट मालपास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन अभी मलेशिया में किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है और इसके लिए हॉकी इंडिया ने अपनी 18 सदस्यीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा भी की है अब मलेशिया तो यह है मैप में मलेशिया मलेशिया की कैपिटल क्या है कुआलालंपुर मलेशिया की करेंसी क्या है मलेशियन रेगट और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है इस्माइल साबरी याकूब नए क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय सेना ने नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी तो अभी भारतीय वायुसेना ने एक नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है इस नई शस्त्र प्रणाली में सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल सरफेस टू एयर वार करने वाली मिसाइल दो पायलट वाले मिसाइल और अदर स्टाफ को भी शामिल किया जाएगा अब इंडियन एयरफोर्स तो इंडियन एयरफोर्स के अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है विवेक राम चौधरी कौन है विवेक राम चौधरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया तो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है हाल ही में वाक करो ने कैसे अपना ब्रांड ब्रांडिडर नियुक्त किया तो वाक करो ये एक फुटवियर ब्रांड है इसने अभी अजय देवगन को अपना ब्रांड ब्रांडिडर नियुक्त किया तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है कल ही मैंने आपको बताया है जो गल्फ गल्फ लुब्रिकेंट की कंपनी है उसने स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड मैजिटर नियुक्त किया और हेरो मोटो ने रामचरण को अपना ब्रांड मेजिडर बनाया है हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची तीन फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी तो राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथ द्वार में तीन फीट शिव प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अब राजस्थान तो ये है मैप में राजस्थान राजस्थान की कैपिटल क्या है जयपुर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर कौन है कलराज मिश्र अच्छा राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है रडथम्बोर नेशनल पार्क है केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में 2022 का साहित्य का नोबल पुरस्कार कैसे दिया गया तो एनी एनॉक्स को 2022 का साहित्य का साहित्यिका नोबल पुरस्कार दिया गया यानी कि किस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में कैसे दिल्ली सरकार के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना आज की इस वीडियो का टारगेट है चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग